नमस्कार, जय हिंद, बंदे मातरम। मैं शेफ डॉक्टर वरिंदर सिंह राणा हमेशा की तरह चाहता हूँ कि इस बार भी कुछ ऐसा शेयर किया जाए आपके साथ जो कि भारत के साथ जुड़ा हो, भारत की रेसिपीज के साथ जुड़ा हो और सिंपल होम कुकिंग रेसिपी हो। और सबसे पहले क्या बनता है धन्यवाद, तो सबसे पहले अमूल का धन्यवाद करना चाहूँगा मैं, जिसने ये अमूल लाइव के जरिए घर घर में जुड़ के लॉकडाउन को पूरा अनलॉक किया और अनलॉक 4 चल रहा है। और मैं हमेशा चाहता हूँ कि कुछ ना कुछ नया जो हमारे घर में इंग्रेडिएंट्स हो उनसे कुछ नया बनाऊँ। तो आज भी जो रेसिपी मैं लेके आया हूँ, और ये रेसिपी जो है गांव की मिट्टी के साथ जुड़ी हुई है, देश की मिट्टी की खुशबू है। तो पहले बता दूँ नाम इसका, इसका नाम है देसी टुकड़ा। देसी टुकड़ा, यस, आपके मुंह पे स्माइल तो आई होगी क्योंकि सभी ने एक डिश हमेशा ही कहीं ना कहीं जरूर खाई है और वो है शाही टुकड़ा। तो शाही टुकड़ा को देसी अंदाज में बनाते हैं। तो देसी टुकड़ा शेफ वरिंदर सिंह राणा की किचन से, सिटी यूनिवर्सिटी की किचन से। तो आइए सबसे पहले बताता हूँ क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए हमें। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिटी यूनिवर्सिटी की किचन, और यहाँ पे किचन सेटअप जो है सर, उसमें देयर इज वन मैसेज, आवाज थोड़ी सी और ऊंची कहते हैं आप। बिल्कुल, और आवाज जो है आप तक जरूर पहुंचेगी। शायद थोड़ी सी कनेक्टिविटी रहती है, वीडियो कनेक्टिविटी शायद हो, आप अच्छी तरह एंजॉय कर रहे हैं। तो आइए मैं इंग्रेडिएंट्स बता दूं। सबसे पहले आपको इंग्रेडिएंट्स जो है उसमें ये है देसी टुकड़ा। तो यहाँ पे मैंने जो रोटियां हैं, मीठी रोटी है, गुड़ के साथ बूंदी है, इसको किया क्या है, मैंने एक डो बनाया, आटा लिया, आटे के अंदर सौंफ जो थी रोस्ट करके तवे के ऊपर, वो सौंफ जो यूज़ की है और गुड़ यूज़ किया है, और उसका डो बनाया। और डो बनाने के बाद जो चपातियां जैसे बनाते हैं दो रोटियां बना ली हैं। तो आज दो तरह की रेसिपीज हम यहाँ पे बताऊंगा मैं आपको, एक रेसिपी रोटियों के साथ और दूसरी रेसिपी जो है नॉर्मल बनाएंगे। और यहाँ पे अमूल दूध लिया है मैंने, उसको चढ़ा दिया है बॉयल होने के लिए। गुड़ जैसे कि मैंने कहा बहुत मेन रोल प्ले करेगा इस रेसिपी के अंदर। सौंफ जो है रोस्ट करके रखी हुई है, सोगी जो कि देसी है, और अगेन ठूठी जिसको सूखा नारियल कहा जाता है यहाँ पे वो लिया है मैंने। तो यहाँ रोज पेटल्स और तुलसी के पत्ते हैं जो कि घर में होते हैं, मिल सकते हैं। कोई ऐसा इंग्रेडिएंट्स नहीं है, कोई शाही अंदाज नहीं है, बहुत ही देसी अंदाज में बनाने जा रहे हैं। तो पहले मैंने यहाँ पे दूध चढ़ा दिया है। पहली दूध चढ़ाने का क्या है, यहाँ पे हमने रबड़ी बनानी है, और रबड़ी के अंदर जैसे उसमें शाही टुकड़ा के अंदर हम क्या बनाते हैं, ब्रेड को फ्राई करते हैं, यहाँ पे आज इस मिठी रोटी को फ्राई करेंगे। तो आइए यहाँ पे तेल गरम होना चढ़ा दिया है, और रोटियों को कटिंग करनी है बड़े ही अच्छे अंदाज में। तो यहाँ पे हम अपने चॉपिंग बोर्ड पर लेके आते हैं। तो ये है हमारी रोटियां, तो इनको कटिंग करनी है हमने, जैसे कि मटरी काटी जाती है लॉन्ग लॉन्ग स्ट्रिप्स काटनी है हमें। आप देखते हैं ये है पूरी मटरी की तरह, मैंने लॉन्ग लॉन्ग स्ट्रिप्स काटी है यहाँ पे, और ये नाइफ की जब कटिंग करता है तो कितने शानदार तरीके से कटिंग होती है। देखें यहाँ पे लॉन्ग स्ट्रिप्स रिबन की तरह कटिंग कर रहा हूँ। आप चाहें तो इसको ट्रायंगल भी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन वही है प्रेजेंटेशन यूनिक होनी चाहिए, अंदाज चाहे देसी है, अपील जो है वो विदेशी लुक देंगे हम उसको। तो यहाँ पे आप देखें ये सारे जो है, आप चाहें तो जो एक दिन पुरानी रोटी होती है, बासी रोटी जिसको कहा जाता है, उसको यूज़ करें तो और भी क्या क्या अंदाज से कुकिंग होगी। तो ये हम यहाँ पे डालते हैं, और ये भी एक और कर लेते हैं, और कुछ मैं आपको यहाँ पे ट्रायंगल कटिंग करके दिखाता हूँ। अगर आपने ट्रायंगल बनानी हो तो आप ऐसे थोड़ा सा फ्लैट रेक्टेंगुलर कटिंग करके उसको, और बाद में आप ट्रायंगल्स में कटिंग कर सकते हैं। तो ये देखिए ये हमारे चिप्स की तरह यहाँ पे कटिंग है, ये भी यूज कर सकते हैं। तो आइए इन सबको हम करेंगे फ्राई। तेल गरम हो रहा है, रबड़ी भी लगी हुई है, आप देखें यहाँ पे मिल्क जो है रिड्यूस कर रहे हैं हम। तो एक तरफ मिल्क रिड्यूस हो रहा है, दूसरी तरफ हमने यहाँ पे फ्राई करने के लिए जो है कढ़ाई चढ़ाई हुई है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत ही सिंपल है, मुझे नहीं लगता कि अभी तक
ऐसा कुछ होगा तो आप संतोष जी कह रहे हैं रोटी का दो बनाकर दिखाएं, तो आप सर ऐसे भी बता दो उनको क्योंकि इतना टाइम। मैंने डो जो बनाया है रोटी का डो बनाने के लिए थोड़ा सा ये होता है कि टाइम लगता है, इसलिए टाइम सेव करने के लिए ये मैंने बनाया है। नॉर्मल डो है, डो के अंदर मैंने गुड़ लिया है, सौंफ जो मैंने कहा है तवे पे ड्राई रोस्ट की है उसको इसमें मिक्स किया। आप देखें यहाँ पे तो गुड़ भी है और सौंफ भी है, तो इन दोनों के साथ में मैंने नॉर्मल जैसे आटा गूंथते हैं वैसे ही किया है और इसकी रोटियाँ बनाई हैं। तो ये बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस है। यहाँ पे तेल गर्म हो चुका है, यहाँ देखें कितने लाजवाब तरीके से ये जो देसी टुकड़े हैं वो फ्राई होने शुरू हो गए हैं। संतोष जी पूछ रहे हैं हाउ मच गुड़ टेकन। जो अभी मैंने लिया था हमने 200 ग्राम और आटा लिया है, 200 ग्राम आटे के अंदर हमने हाफ जो है टेबल स्पून वो सौंफ रोस्ट करके डाली है और जो गुड़ डाला है उसमें वो है 20 ग्राम, तो 1/10 हिस्सा है इसका, आटे का 1/10 जो है कम, 1:1 जो है हमने वो गुड़ की ली है और उसकी 10:1 जो है वो आटे के लिए। यहाँ देखें ये कितने क्रिस्पी हो चुके हैं, तो इनको हम प्लेट में ही निकाल लेते हैं। शालिनी जी पूछ रहे हैं मिल्क में क्या मिक्स किया है। कुछ नहीं मिक्स किया है, अभी सिर्फ दूध चढ़ाया है हमने, रिड्यूस करना चढ़ाया हुआ, आप देखें अभी रिड्यूस हो रहा है, रबड़ी बन रही है इसकी। तो अभी मैंने 1/2 लीटर दूध लिया था, इसको रिड्यूस करना है जब तक ये 250 ml हो जाता है, और ये देखिए रिड्यूस हो रहा है धीरे धीरे, पैन से पता लगना शुरू हो जाता है, तो इसको हम स्टर करते रहेंगे। ये देखें अमूल का है तो बहुत जल्दी, फैट कंटेंट बहुत अच्छा हैवी है। ये देखें रिंकू जी पूछ रहे हैं सर मैदा लिया या आपने बीट की रोटी बनाई। बीट आटा मैंने आटा बोला है यहाँ पे, मैदा नहीं बोला है, तो आटा जो है इसीलिए आटा यूज कर रहे हैं क्योंकि देसी टुकड़ा है तो अपना जो देश का गेहूं है उसको यूज कर रहे हैं। देखें अभी कितने अच्छे कलर आए हैं और टुकड़े जो है बेहतरीन, और ये भी हम थोड़े से फ्राई कर लेते हैं। प्रियंका जी पूछ रहे हैं व्हाट्स द डिश कॉल्ड। देसी टुकड़ा है ये, और विदेशी अंदाज है। देसी टुकड़ा जैसे शाही टुकड़ा बनाते हैं हम ब्रेड का बनाते हैं, और यहाँ पे हम बना रहे हैं रोटियों का देसी टुकड़ा। ठीक है, गुरकिरण जी कह रहे हैं टुकड़े की रेसिपी अगेन प्लीज। आप वीडियो देख सकते हैं, आप दोबारा से जब ये शो खत्म हो जाएगा, लाइव खत्म होगा, तो आप वीडियो के दोबारा देख सकते हैं। मैंने अभी अभी बताया है, सिर्फ नॉर्मल 200 ग्राम आटा लिया है, 20 ग्राम गुड़ लिया है और सौंफ डाली है थोड़ी सी, और नारियल का सूखा हुआ ये देखें। ठीक है जी, कितना अच्छा। शालिनी जी पूछ रहे हैं मिल्क की क्वांटिटी कितनी है जी। 500 ml मिल्क लिया है, हाफ हम उसको रिड्यूस कर रहे हैं 250 ग्राम्स के लिए। तो यहाँ देखें अगर मैं दिखाऊं तो ये रिड्यूस हो रहा है, और ये देखें कलर कितना, अभी तक कुछ नहीं डाला है, कलर कैसे आया है, तो रिड्यूस होके। और यहाँ पे मैं आपको एक और चीज साथ साथ ही हम कर रहे हैं, यहाँ पे ये देखें रिड्यूस होना शुरू हो गया है, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर डालेंगे गुड़। तो ये जो गुड़ है ये मैंने डाला इसके अंदर, 500 ml दूध था और जो गुड़ की मात्रा है वो है 50 ग्राम। रेनू जी बोले इम्प्रूव दी वॉइस प्लीज, तो थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। ब्लूटूथ यूज कर रहा हूँ, शायद अगर आप देखें थोड़ी वॉल्यूम अगर आपके फोन की कम हो शायद तो भी शायद ये हो सकता है, अदरवाइज अगर किसी और को भी वॉइस की वो लग रही है तो वी कैन रिमूव ब्लूटूथ। ये देखें कलर जो है गुड़ के कारण कितना प्यारा आ गया, एक्सीलेंट कलर। तो यहाँ जो है रबड़ी वो
तैयार हो रही है दूध और गुड़ से। अभी गुड़ जो है इसके अंदर डिसॉल्व हो रहा है, मेल्ट हो रहा है, और यहाँ फ्राइंग जो है हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो मैंने कहा था हम आज दो वर्जन बनाएंगे देसी टुकड़ा का, जो दूसरा वर्जन है वो भी साथ साथ करते हैं। तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ और यहाँ पे चढ़ाऊंगा दूध। ये मैंने 500 ml और दूध लिया है। तो जो सेकंड वर्जन है देसी टुकड़ा का वो आपके साथ साथ बनता रहेगा। सर आप ब्लूटूथ रिमूव ही कर दें, बहुत लोग बोल रहे हैं वॉइस प्रॉब्लम है। तो ये ब्लूटूथ जो है मैं यहाँ से बंद कर रहा हूँ। ऐसे भी कर दूं? हाँ जी, अभी शायद ब्लूटूथ अभी ऑन हुआ है, बंद हो चुका था वो। अभी देखें शायद मेरी आवाज जो है अभी आप तक पहुंच रही होगी। ब्लूटूथ हमने रिमूव कर दिया है। ये देखें, अब आ गया, परफेक्ट वॉइस आ रही है आपकी। ये देखें अब क्या है कि यहाँ पे कलर कितना प्यारा आ चुका है, और ये रबड़ी जो है रिड्यूस हो रही है, गुड़ की रबड़ी है बेसिकली। ये डिश देखें देसी, क्योंकि हमने चीनी भी यूज नहीं की। यहाँ पे जो टुकड़े थे वो भी बहुत देसी हैं, और इन टुकड़ों को अब हम साथ में डाल देंगे इसी दूध के कि ये पकते रहे। ये तब तक सोक, इसको जो है गुड़ और उसको सोक कर लेंगे। इसको रखते हैं, अभी थोड़ा सा रिड्यूस इसके साथ ही होने देते हैं। दूसरी तरफ आते हैं, यहाँ 500 ml दूध चढ़ा दिया गया है, और यहाँ पे हम बनाएंगे रॉ वर्जन, जो कि आप कह सकते हैं मीठा पास्ता भी है और देसी जो है वो टुकड़ा भी है। वही आटा है, सेम जो डो था उसको दूसरे अंदाज में। यहाँ पे थिन थिन जो है बहुत ही थिन सी छोटी सी चपातियाँ जो हैं वो हम रोल करेंगे पूरी की शेप की तरह। आप देखें ये टुकड़ा जो था सभी को ये लग रहा था पता नहीं देसी क्या होगा, और ये देखें इसमें कितना अच्छा। सर देर इज वन क्वेश्चन, डायरेक्ट गुड़ डालने से मिल्क कर्डल नहीं होगा क्या? डायरेक्ट जब डालते हैं वो तब होता है जब आप गुड़ ऐसा यूज कर रहे हैं जिसके अंदर केमिकल मिक्स हो। अगर वो गुड़ जो है बिल्कुल ही देसी है और जो गुड़ जो है उसमें कोई केमिकल यूज नहीं किया गया है बनाते टाइम, तो आप देखें आपके सामने ही मैंने दूध में डाला है, कोई मंत्र नहीं है, वही गुड़ है और वही दूध है। लेकिन वो तभी होता है जब केमिकल्स के साथ में प्रेपरेशन की जाती है गुड़ की। तो ये हमारी जो एक पहली वाली थी डिश वो तो रेडी है, इसकी बाद में प्लेटिंग करते हैं, इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। और दूसरी तरफ आते हैं अपने दूसरे वाले वर्जन में। इसमें हमने क्या करना है कि इसकी कटिंग करेंगे हम। इनको ऐसे ही जो टुकड़े हैं दूध के अंदर पकाने हैं, ये सेम है स्टीम्ड ना फ्राई कर रहे हैं, इसी दूध के साथ पकाने के लिए अभी डाल देंगे हम। मीठे हैं, गुड़ है, सौंफ है, ये पकने के लिए जब तक होंगे हम पहली डिश की प्रेजेंटेशन कर लेंगे। और ये सेम प्रोसेस है जैसे हम मोमोज बनाते हैं, दूध बॉयल पानी बॉयल करते हैं उसके अंदर हम उसको ब्लांच करते हैं। यहाँ पे देखें वही सिंपल डो को रोल करके मैंने डाला है, ना ही कुछ इसके अंदर कोई मिक्स किया है, सिर्फ ये मीठा जो मैंने कहा था गुड़ डाला हुआ है वो यूज़ किया हुआ है, और सौंफ है तो वही डो की हमने नॉर्मल जो है। Which type of gur to be used as so many types of gur is in the market? ये शुगर केन जैगरी है जो गन्ने के रस का है,
पाम जैगरी भी आता है, पाम से बनता है, पाम के ट्री से। तो ये शुगर केन का है, शुगर केन जैगरी। गन्ने का जो गन्ने के रस से बनाया हुआ गुड़ है ये देखें, उसका मैंने उसको मिक्स किया हुआ है डो के अंदर, और उसमें से हमने क्या किया है, रोल किया है। ऐसे रोल कर रहा हूँ जैसे पास्ता का थिन, सिर्फ बहुत ही थिन करना है आपने, बस ये ध्यान रखना है। यहाँ पे फिर से कटिंग, तो ये साथ साथ पकेगा तब तक हम दूसरी प्लेटिंग उस प्लेट की करेंगे। तो ये चढ़ गया है, आप देखें पास्ता की तरह ये ब्लांच हो रहा है इस मिल्क के अंदर, और इसको पकने देते हैं। तो आइए एक प्लेटिंग करते हैं। तो ये देखें, ये रही हमारी प्लेट, और यहाँ पे हमने इसको, अगर आप ठंडा करके, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ आपको डेमो दे रहा हूँ और बता रहा हूँ कि ये जो है देसी टुकड़ा रेडी हो चुका है, लेकिन अगर इसको अगर आपने ठंडा करके सर्व करें तो क्या बेहतरीन जायका आएगा, बहुत ही जबरदस्त टेस्ट आएगा। लेकिन यहाँ पे मैं लाइव हूँ तो मैं अभी यहाँ पे इसको ठंडे होने के लिए नहीं रख रहा हूँ, लेकिन मैं आपको प्लेट करके दिखा रहा हूँ एक, और ये ठंडा हो जाएगा तो जो मिल्क था रिड्यूस हुआ था, रबड़ी थी वो, और इसके साथ में अच्छी तरह से चिपक जाएगी और बहुत ही अच्छा अंदर तक चली जाएगी, डिजॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पे शेफ नाम बता दें रेसिपी के दोबारा देसी से, टुकड़ा, और जिन्होंने नहीं देखा वो इसका रिपीट टेलीकास्ट देख सकते हैं बिल्कुल अमूल लाइव पेज में और सिटी यूनिवर्सिटी फेसबुक के पेज में। एक क्वेश्चन है भावना जी का, कैन वी यूज शुगर इंस्टेड यस ऑफ आप कर जैगरी? सकते हैं बिल्कुल भावना जी। मैंने जैसे पहले कहा देसी टुकड़ा है, तो मैं यहाँ पे पंजाब से हूँ और पंजाब में जो है गुड़ बहुत यूज़ किया जाता है, सुबह गुड़ की चाय बनती है। तो ये हुआ क्या था इस रेसिपी में, इनोवेशन में बताता हूँ। तो एक दिन जो मैंने कहा कि बासी रोटी है, और बासी रोटी थी, सुबह सुबह भूख लगी हुई थी और सुबह गुड़ की चाय आ गई, और मैंने उसके साथ जब बासी रोटी खाई तो क्या लाजवाब टेस्ट आया। तो मैंने वैसे ही उस रेसिपी को थोड़ा सा एक ट्विस्ट देने की ट्विस्ट कोशिश की और दूध के साथ में रिड्यूस करके बनाया। तो ये सेम है, आप इसकी हम अभी क्या करेंगे, इसमें जो रबड़ी बन गई है हमारी इसको डालेंगे स्पून की हेल्प से। सर, कैन वी यूज मल्टीग्रेन फ्लावर? मल्टीग्रेन फ्लावर आप यूज करेंगे तो वो जो है आपको अलग अलग टेस्ट आएंगे। यहाँ पे व्हीट जो है बहुत अच्छी जाती है, क्योंकि हमें दूध के साथ भी उसको कॉम्बिनेशन देना है, तो जो दालें उसके अंदर आ जाएंगी मल्टी उसके अंदर, तो वो एक अच्छा टेस्ट शायद ना दे पाए जिस जो आटे ने देना है। यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ इसके ऊपर बहुत सारा रबड़ी, ताकि वो जो है इसको सोक कर ले, और बाकी जो है मैं इसके अंदर साइड में प्लेट में पोर कर दूंगा। ये आ गया हमारा, इसके ऊपर हम डालेंगे सोगी, ये मैंने हल्की सी पानी के अंदर डिजॉल्व की हुई थी। तो ये सोगी है, रेजन्स जिसको कहा जाता है, तो ये यूज करेंगे हम। सारे एक ही सवाल पूछ रहे हैं, डो की रेसिपी दोबारा से बता दो। बिल्कुल बिल्कुल मैं बताऊंगा, ये साथ साथ चल रहा है हमारा दूसरे वाला देसी टुकड़ा जिसको हम बॉयल कर रहे हैं दूध के अंदर, और ये था जो हमने फ्राई किया था, और ये बॉयल हो रहा है। और इसके ऊपर पहले एक डिश कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं आपको रेसिपी जरूर बताऊंगा डो की। ये है कुछ तुलसी के पत्ते, तो ये आ गई तुलसी, और यहाँ पे कुछ है रोज पेटल्स, देसी है सब कुछ। मैंने अभी कहा आपको कि ना तो हमने कोई ड्राई फ्रूट्स यूज किए हैं। और ये हमारी
इस पे अगर आप चाहें तो ये नारियल जो है सूखा हुआ वो डाल सकते हैं, ये और अच्छा बेहतरीन एक लुक दे देगा। देसी टुकड़ा रेसिपी वन, और अब देसी टुकड़ा रेसिपी टू पे आते हैं। ये देखें, ये भी होने वाला है, ये साथ साथ हो रहा है, इसमें कोई भी घी कोई भी फ्राई नहीं है, ये सिर्फ पास्ता की तरह बॉइल हो रहा है। तो हो इसमें किसी का क्वेश्चन है तो वन के नास्क। कैन वी यूज ड्राई रोज पेटल, क्वेश्चन फ्रॉम कविता जी। ड्राई रोज पेटल बेसिकली स्पाइसेस में आ जाता है, लेकिन यहाँ पे जब भी डेजर्ट्स की बात आती है, अगर आप उसको किसी राइस प्रेपरेशंस में या मसाले के अंदर स्पाइसेस बनाने में यूज कर रहे हैं तो ड्राई रोज पेटल यूज किए जाते हैं। जब डेजर्ट्स की बात आती है तो इसका कॉम्बिनेशन जो होता है फ्रेश पेटल्स का वो कुछ यूनिक होता है, तो वो एक अच्छा जो टेस्ट देगा वो फ्रेश रोज पेटल ही देगा। पिस्टेशियो यूज कर सकते हैं, प्रीति जी पूछ रहे हैं। प्रीति जी मैंने कहा था देसी टुकड़ा है, अगर शाही ही बनाना है तो बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स आप यूज कर सकते हैं, बादाम कर सकते हैं, काजू कर सकते हैं, पिस्ताचो, और यहाँ पे मैंने देसी क्या रेजन्स यूज किए हैं और सूखा हुआ नारियल यूज किया है। तो देसी अगर बात की है, टुकड़ा भी जो है वो डबल रोटी का नहीं है, वो सिर्फ आटे के डो से बनाई हुई रोटी है, तो इसीलिए दूसरी जो डिश है वो भी रेडी हो रही है। संतोष जी कह रहे हैं भी क्या हम पुरानी बासी रोटी भी यूज कर सकते हैं। संतोष जी बिल्कुल सही कहा, मैंने पहले कहा है बासी रोटी अगर लोगे तो और ज्यादा जो टेस्ट है इस रेसिपी का और झलकेगा, आप एक बार ट्राई करें। और जो बासी रोटी है मैं कहता हूँ वो गुड़ के साथ, जो गुड़ की रबड़ी के साथ क्या टेस्ट देगी, नज़ारे आ जाएंगे, एक बार बना के देखें और फोटो जो है मुझे भी शेयर करें जरूर। सोनल जी रीकैप के बारे में पूछ रहे हैं, तो सर मैं चाहूंगा बता दें उनको कैसे देख सकते हैं दोबारा से। जितने भी व्यूअर्स हैं रीकैप अगर मैं करना चाहूं तो आज हम बना रहे हैं देसी टुकड़ा। देसी टुकड़ा जो है वो दो तरीके से बनाया है हमने, एक सबसे पहले जो डो है जो बहुत ही यूनिक रहेगा इस पूरी रेसिपी के अंदर, ये आटा है, आटे का डो है, इसके अंदर हमने सौंफ जो है ड्राई रोस्ट की है ग्रिडल पे उसको डाला है, उसको थोड़ा क्रश किया और डाल दिया, और साथ में डाला हमने सूखा हुआ नारियल। तो सूखा नारियल तीन चीज़ें हमने लेके और साथ में गुड़, इन चार चीज़ों से हमने डो तैयार किया, और डो जब ऐसा बन जाएगा तो उसकी हमने रोटियां बनाई। हमने रोटियां बनाने के बाद ऐसे रोटियों को काटा स्ट्रिप्स में, आप चाहें तो ट्रायंगल काटें स्क्वायर काटें, और उनको हमने फ्राई किया जैसे शाही टुकड़ा के लिए डबल रोटी फ्राई की जाती है, हमने यहाँ पे उन रोटियों को किया। और दूसरा जो वर्जन है फिर हमने रबड़ी बनाई रिड्यूस करके, आप कलर देख सकते हैं गुड़ से बनाई हुई रबड़ी है, तो वो यूज़ की और उसके अंदर मिक्स करके प्लेटिंग की। ये दूसरा जो वर्जन है ये रॉ वर्जन है, इसके अंदर हमने पास्ता की तरह जो है रॉ डो लेके उसको थिन काफ़ी रोल किया, थिन स्ट्रिप्स में काट के हमने इसको इसमें डाल दिया, ब्लांच हो रहा है और हो भी चुका है, टाइम लगता है क्योंकि दूध के साथ साथ पकता है, और ये वर्जन भी रेडी होने वाला है। अब जब इतने रिड्यूस पे आ जाए तो अब हम इसमें डालेंगे मिठास। प्रीति जी पूछ रहे हैं सिटी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन डिप्लोमा कोर्स करवाते हैं। बिल्कुल, हम फर्स्ट जो है अक्टूबर से एक डिप्लोमा लेके आ रहे हैं ऑनलाइन, वन मंथ का डिप्लोमा है, तो यूं ही जुड़े रहें हमारे सिटी ग्रुप के पेज पे और देखें उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन जो है आपको मिलने वाली है। गगन मैं अगर बात करूँ, यहाँ पे मैंने गुड़ डाल दिया है, आप देखें कलर भी चेंज हो जाएगा, तो गुड़ के साथ साथ यहाँ मैं डाला हूँ सूखा हुआ नारियल। तो ये है, ये बन रहा है, इसी के अंदर हम डाल देंगे सोगी। तो ये जब तक रिड्यूस हो रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा रिड्यूस हो रहा है, और आप देखिए सिर्फ दूध डो, और यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स अगर आप सभी को दोबारा भी दिखाएंगे तो इंग्रेडिएंट्स देखें, एक आटा है, इसी के अंदर यही चीज़ें डाली गई थी, कुछ भी ऐसा कुछ यूनिक नहीं है जो घर में ना हो, बाजार में लेके आना पड़े। शायद गुड़ आपको एक आप ला सकते हैं, ये जो गुड़ है ये गन्ने का जो है शुगर केन जैगरी है, और अगर आप चाहें तो पाम जैगरी से भी बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा देसी टुकड़ा है, टुकड़ा इसी से बनाएंगे डो से,
तो ये देसी टुकड़ा जो हमने बनाया था आप देख सकते हैं, उसका फ्राई किया था और रबड़ी में डाला था, और ये इसकी फाइनल प्लेटिंग जो हमने की है। अभी जमनी भी शुरू हो गई है, अगर आप इसको फ्रीज करके खाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। और यहाँ दूसरा जो वर्जन है वो भी रेडी हो रहा है, दूध रिड्यूस होने में टाइम लग जाता है तो ये। और इसमें अगर अगर आप इसको देसी से थोड़ा सा ट्विस्ट देना चाहते हैं तो हम क्या यूज कर सकते हैं, हमारा मिठाई में, अमूल मिठाई में, हम मैं मिठाई में यहाँ पे देखें यूज कर रहा हूँ थोड़ा सा इसको। अब जो देसी था, एक देसी हम बना चुके हैं, लेकिन इसमें मैंने मिठाई में डाल दिया थोड़ा सा टेस्ट देने के लिए। आप भी ये ट्विस्ट कर सकते हैं। और अब इसको पकाएंगे हम, एक हल्का सा बॉइल और हमारी डिश जो है वो रेडी हो जाएगी। कलर जो है दोनों डिशेस के सेम सेम अच्छा, आएंगे। क्या देसी टुकड़े को अगर फ्रिज में रखेंगे तो क्या वो कुल्फी बन जाएगा? कुल्फी सिर्फ रबड़ी बनेगी जो साइड वाली है, बाकी जो आटे की जो हमने फ्राई किए हुए टुकड़े हैं वो टुकड़े ही रहेंगे और वो एक अच्छा टेस्ट देंगे। मैं तो कहता हूँ कुल्फी से भी बहुत अच्छा टेस्ट देंगे, आप ट्राई तो करें एक बार। ये क्वेश्चन था प्रीति जी का। हाँ जी, आशा जी पूछ रहे हैं कोकोनट की जगह क्या डालें? कोकोनट आप नहीं डालना चाहते हैं तो ना डालें। यहाँ पे मैंने सूखा हुआ नारियल था, कोकोनट अगर आप नहीं डालना चाहते हैं कोई बात नहीं है, आप इलायची की फ्लेवर दे सकते हैं, आप इलायची पाउडर यूज कर सकते हैं, सौंठ का पाउडर, सौंठ भी डाल सकते हैं, ड्राई जिंजर पाउडर, और सौंफ तो है ही है, सौंफ का एक अलग ही टेस्ट रहता है, तो आप चाहें तो ना डालें। क्योंकि जो देसी रूरल होता है, रूरल बेल्ट में कुछ भी बनता है तो सूखे नारियल की एक बहुत अहमियत होती है, चाहे वो हलवा बने चाहे वो क्योंकि लोग जो है वो बादाम और काजू अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो वो देसी इरादों में चले जाते हैं, लेकिन वो जायका जो रहता है, मैं कहता हूँ जो गांव की मिट्टी की खुशबू है वो इन्हीं खानों में झलकती है। सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं हम, अगर ये खाने वापस आ जाएँ और क्या बात होगी। अभी हम इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, इन खानों में ही इम्यूनिटी है, इन खानों से ही हमारे देश की शान है। सोनल जी ने बात की है, कहते एकदम देसी रेसिपी है और बहुत अच्छी रेसिपी है, जैसे हमारी हिंदी भाषा, आज हिंदी दिवस पर बिल्कुल सटीक। अच्छा, ये हिंदी दिवस है तो हमें गर्व है कि हम हिंदुस्तानी हैं और उस हमारे देश की जो मिट्टी है वो एक, हम उसके लिए इस मिट्टी से जन्म लिया है, इसी मिट्टी के लिए कुर्बान होने को हर देशवासी जो है वो हमेशा तैयार रहता है, चाहे वो हमारे सैनिक हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो कोई भी भारतवासी हो, वो इस मिट्टी से जुड़ा हुआ है, हम भी मिट्टी से जुड़े हुए हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने, मुझे नहीं पता था कि आज हिंदी दिवस है। तो इस अमूल लाइव के जरिए मैं सारे ही दर्शकों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं भी देता हूँ। और ये जो है आप देखें यहाँ पे रेडी हो चुका है, इसको भी हम अभी प्लेटिंग कर लेंगे। तो प्लेटिंग करने के लिए एक प्लेट चाहिए हमें, और प्लेटिंग हमने जो करनी है यहाँ पे हमने की थी, अब यहाँ से निकालेंगे हम अपनी मीठा पास्ता जिसको कहे हैं शाही टुकड़ा, दूसरे वाला। तो ये देखें इसमें और उसमें वो फ्राई है और ये ब्लांच वाला है, देखें ये पक चुके हैं बहुत ही बेहतरीन। ये सेवियों का भी टेस्ट देंगे आपको, कैन वी एड क्रश्ड और बादाम पाउडर? शायद मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि ये देसी टुकड़ा है, अगर आप चाहें तो आप डाल सकते हैं, काजू भी डाल सकते हैं, बादाम भी डाल सकते हैं। ये वैजयंती जी पूछ रहे थे, शायद वो लेट ज्वाइन हुए होंगे शायद। तो ये देसी टुकड़ा है, यहाँ पे हमने सारे देसी इंग्रेडिएंट्स यूज करने की कोशिश की है। तो ये भी हमारा, देखें आप दिखाएं गगन अगर पास में जाके, तो जो टेक्सचर होगा वो सेवियों जैसा आएगा, तो सेवियां जो होती हैं आटे की सेवियां, ये वैसा टेस्ट आएगा, लेकिन ये इंस्टेंट बनी हुई सेवियां कह सकते हो आप।
क्योंकि इसको हमने उसी दूध में पकाया है और इसको ड्राई नहीं किया गया है, सन ड्राई नहीं किया गया है, और ये मीठा पास्ता भी कह सकते हो आप। और इसको हम अलग अंदाज में थोड़ा सा उससे उस प्लेटिंग से अलग करेंगे। यहाँ पे मैं इसमें गुड़ थोड़ा सा स्प्रिंकल कर रहा हूँ, यहाँ कर रहा हूँ थोड़ा सा नारियल सूखा हुआ, यहाँ कर रहा हूँ सौंफ जो हल्की सी रोस्ट की हुई है, और रोज पेटल, तो ये रहा हमारा दोनों ही प्लेट्स का देसी टुकड़ा। अगर मैं आगे आके आपको ये दोनों प्लेट्स दिखाऊं तो वरिंदर जी पूछ रहे हैं, प्लीज टेल मी द नेम ऑफ रेसिपी। ये रेसिपी है देसी टुकड़ा। और देसी टुकड़ा जो है वो दो अंदाज से बनाया गया है, वन इज ब्लांच वन और सेकंड वन इज फ्राइड। और ये रोटी से बनाया, हमने उस रोटी को फ्राई किया है। ये जो डो था उसी डो को रोल करके शीट्स को और पास्ता की तरह हमने दूध में ही बॉईल किया है। और ये दोनों ही डिशेस के अंदर है, नाम देसी टुकड़ा है, लेकिन हमने कोई भी शाही जो हमारे नट्स थे कोई भी यूज़ नहीं किया है, एक्सेप्ट जो ड्राई कोकोनट था उसको हमने ग्रेट करके डाला है। रीजन्स डाले हैं सोगी, ना बादाम है, ना काजू है, ना कोई पिस्ताचो है, अखरोट कुछ नहीं है। ये सिर्फ जो है दूध से बनाई हुई डेजर्ट है और आटे से बनी हुई है, गुड़ है। तो ये है आज की रेसिपी देसी टुकड़ा। तो इस रेसिपी के जितने भी इस रेसिपी को देखने के लिए मेरे साथ दर्शक जुड़े हैं, मैं उन सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और होप यू हैव लाइक दिस रेसिपी। और मैं चाहता हूँ कि तो ये जो हमारा डिशेस थी वो दोनों प्रिपेयर हो चुकी हैं। सो ऑन बिहाफ ऑफ सिटी यूनिवर्सिटी आई डॉक्टर शेफ वीरेंद्र सिंह राणा कन्वे स्पेशल थैंक्स टू ऑल द ऑडियंस हु हैव ज्वाइंड ऑन दिस अमूल लाइव सेशन। टुडेज अमूल लाइव सेशन देसी टुकड़ा, अमूल की पूरी टीम जो कि इस शोज के जरिए जिन्होंने सबको बांध